तो हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टेशन मास्टर लाइफ। बहुत दिन के बाद आज मतलब ड्यूटी वीडियो या फिर ब्लॉग आ रहा है। तो बेसिकली कुछ काम में बिज़ी, और बाकी तो वीडियो अपलोड चल ही रहा है। 2 4 दिन थोड़ा गैप ज़्यादा बढ़ गया, तो चलिए कोई बात नहीं। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, मतलब रिक्वेस्ट भी था, कुछ कमेंट भी था कि यार्ड मास्टर का क्या काम है, यार्ड मास्टर का मतलब यार्ड में क्या क्या काम होता है, तो उसी के रिलेटेड। और मैं यार्ड में ही काम करता हूँ, मैं एक यार्ड मास्टर ही हूँ, मैं गुवाहाटी में रहता हूँ। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को यार्ड मास्टर का काम अप टू स्टार्टिंग से लास्ट तक दिखाऊंगा। तो एक्चुअली क्या क्या होता है यार्ड मास्टर का काम। ठीक है, तो बने रहिए मेरे चैनल पे, बने रहिए इस वीडियो पे एंड कंटिन्यू करिए। तो अभी बज रहा है 9:50, अराउंड 5 मिनट लगता है मेरे को अपना क्वार्टर से ऑफिस जाने में, तो 5 मिनट लगेगा। पौने 10 बजने से मतलब स्टार्ट होगा ड्यूटी, और सुबह 7 बजे तक एक्चुअल नाइट ड्यूटी होता है। तो आज मेरा नाइट ड्यूटी गिर रहा है, सेकेंड नाइट होगा आज। और आज है 29 जून, सॉरी जुलाई। तो मैं अभी निकलता हूँ, नहीं तो फिर देरी हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं यार्ड में, बाकी बहुत सारा बात करना है, तो चलते हैं, मिलते हैं यार्ड में। तो आ गए अभी ऑफिस, तो अभी जाके साइन ऑन करना है, मतलब हम लोगों का जो ऑन ड्यूटी हो रहा है वो करना है। इसके बाद स्टार्ट होगा, 10 बज गया पूरा। फर्स्ट प्रोग्राम मिल चुका है, जो कि सिकलाइन जाना है। सिकलाइन से पीयूएच गाड़ी, मतलब मैकेनिकल टर्म है, आप लोग धीरे धीरे जाने को समझोगे, वो गाड़ी को लेके आना होगा सेंटिंग करके। तो यह है सिकलाइन, जहाँ पे गाड़ी का वगन जहाँ में फिट किया जाता है, जो कि प्रॉब्लम और डैमेज गाड़ी होता है वो तो सब गाड़ी को फिट किया जाता है। यहाँ से जो कि फिट गाड़ी है उसको विड्रॉ करके वागन में लगा के फिर चलाया जाता है। ये आरओएच सेक्शन, थोड़ा आके होप देना, थोड़ा आके, हाँ थोड़ा आ जाओ, थोड़ा आ जाओ, और थोड़ा आ जाओ, बस होप रखना, होप रखना। अरे निकल तो थोड़ा ठीक करना होगा। बेसिकली नाइट ड्यूटी में ये थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम होता है, तो फिर दिक्कत होता है। होप देना राव, होप देना राव। यार्ड का काम में प्रॉब्लम यही होता है कि आपको यार्ड में रहना होगा, जहाँ में जंगल ही ज़्यादा रहता है। स्टेशन पर रहना तो आप स्टेशन के अंदर ही काम करोगे, तो फिर इतना मतलब ये वाला फेस नहीं करेगा। प्रैक्टिकली थोड़ा दौड़ना भागना पड़ता है यार्ड में, यार्ड मास्टर के लिए तो वही बात है। और सिर्फ यार्ड में काम करने का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो अच्छा है, ख़राब नहीं है, क्योंकि अलग हो जाता है काम के हिसाब से। अभी हम लोग पूरा गाड़ी बैक कर दे रहे हैं, संटिंग पूरा कंप्लीट हो गया है सिकलाइन का, तो फिट वो अगर हम लोग निकल चुके हैं। तो यार्ड में सिर्फ 2 ही गाड़ी लेके जाना है, बाकी हमें रहेगा, यही तक प्रोग्राम है। प्रोग्राम आपको दिया जाएगा टावर के हिसाब से, ठीक है। और आओ दो गाड़ी, राव दो गाड़ी, यही काम है यार्ड का। ये स्टार्टिंग है, अभी बजा है 12:30, तो अभी काम ख़त्म हुआ है जस्ट ये वाला,
अभी यार्ड में जाके फिर और एक प्रोग्राम मिल चुका है, वो वाला करेंगे फिर। तो अभी बज गया रात का 1 बज गया, अभी फिर से यार्ड में आ गए हम लोग सिक लाइन से बैक करके। तो अभी ये जो देख रहे हैं पीछे लाइन नंबर 4 है, जो कि ये है, इसका गाड़ी का सेंटिंग करना है अभी हम लोगों को, तो उसका प्रोग्राम दिया गया है। सेंटिंग ऑर्डर एक मिलता है, उसी के हिसाब से आपको काम करना है। अभी पूरा रेडी हो गया, इसमें टोटल हुआ गया ना 42+1, जो कि BCN बोला जाता है, पूरा BCN गाड़ी है। तो BCN MT स्टॉक बन के जाएगा, ये नया BPC बन के ये। और दूसरा काम है आपका प्लेसमेंट, जो साइडिंग है, जैसे कि FSA साइडिंग हो, कुछ आयरन बोर्ड साइडिंग हो, या फिर फूड ग्रेन साइडिंग हो। फूड ग्रेन आता है जहाँ में अनलोडिंग लोडिंग होता है, अनलोडिंग ही होता है ज़्यादातर। तो ये सब साइडिंग में गाड़ी आने से गाड़ी को प्लेसमेंट कराना है, उसको फिर चलाना है। तो बेसिकली यार्ड में यही थोड़ा प्रेशर रहता है। तो फाइनली अभी हम लोगों का काम ख़त्म हो गया, तो अभी हम लोग जाएंगे, थोड़ा पानी वानी पियेंगे, थोड़ा बैठेंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम जब तक नहीं आएंगे थोड़ा। तो अभी बज गया 1:30 हो गया अभी रात का। अभी असली टाइम है, मतलब अभी जितना टाइम जगेंगे ना उतना टाइम मतलब हालत ख़राब रहेगा, जाके भी सो नहीं पाओगे। आपको रेलवे का नौकरी मतलब ऑन ड्यूटी ऑल टाइम रहना पड़ेगा, जितना टाइम आप ड्यूटी में, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है इसीलिए। तो चलिए अभी जाते हैं, पानी वानी पीते हैं, थोड़ा बैठते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम का बात है, क्या आता है देखते हैं। तो फिर से अभी प्रोग्राम आ चुका है, अभी बजा है मात्र 2, मतलब आधा घंटा बाद ही प्रोग्राम आ चुका है। एक और गाड़ी को रेडी करना है, ठीक है। तो रेडी करेंगे, अभी ये गाड़ी बनेगा BCN, वो फिर काम कर लेंगे, सेंटिंग फिर स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ में यार्ड में एक्चुअली बता देता हूँ प्रोग्राम ये होता है। जो यार्ड में जो गाड़ी आता है, ये तो एक्चुअली गुड्स यार्ड है, जहाँ में गुड्स का जितना गाड़ी है वही आता है। तो वो गाड़ी एग्जामिनेशन होता है, तो वो एग्जामिनेशन के बाद जो गाड़ी फिट नहीं होता, अनफिट होता है रन के लिए, तो वो गाड़ी को काट के फ्रेश गाड़ी या फिर फिट गाड़ी लगा के वो गाड़ी को नया BPC बनता है। उसके हिसाब BPC मतलब ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, आप लोग बाद में जानोगे, दे दो वो सर्टिफिकेट, फिर देने के वो इशू होगा ब्रेक BPC, उसके बाद गाड़ी को चलाया जाता है। तो यही गुड्स का काम, कोचिंग का भी काम सेम है, वही है। वो गाड़ी एग्जामिन होगा, जो वगन डैमेज है उसको काट के नया उसके स्पेयर गाड़ी लगाना होगा उसके जगह में, दूसरा लगा के उसका भी सेम हिसाब से गाड़ी चलता है। तो जो लोग कैंडिडेट हो, जो लोग कभी मिलेगा, तो लोग जब ट्रेनिंग करोगे तो तब मिल जाएगा वो सब। तो वही बात है, ये एक्चुअल यार्ड में काम है। तो यार्ड में आपको दौड़ना पड़ता है, यार्ड में बेसिकली 2 हिसाब से काम होता है, एक आप नीचे काम करते हो फील्ड में, और एक होता है ऑफिस में बैठना। ऑफिस में बैठने से आपको मेंटली प्रेशर रहता है, जो आपको काम कराना है, और नीचे में भी सेम ही काम कराना ही है आपको, लेकिन आपको फिजिकली आपको साथ में रह के भी काम करना है, यही है। तो अभी बजा है रात को 4 बजे भी। तो अभी हम लोगों को प्रोग्राम दे गया कि कुछ गाड़ी विड्रॉ करना, फिर से संटिंग वही सेम चीज़, तो देखते हैं वही काम स्टार्ट करेंगे। ये वाला गाड़ी सब निकालना होगा। सुबह सुबह चाय पीने आ गए हम लोग, काम ख़त्म करके अभी हम लोग चाय पियेंगे। तो अभी काम ख़त्म हो गया, तो फाइनली रूम जा रहे हैं, जो रेस्ट है पूरा रेस्ट करेंगे, करके काम करेंगे, बाकी जो जो काम है रूम का वो सब कंप्लीट करेंगे। अभी आ गया रूम पे फाइनली, और रात भर तो काम हुआ, अभी फ्रेश होके कुछ खा के लंबा नींद मारना होगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि सर दर्द हो जाता है, क्योंकि
पूरा रात देखने के बाद थोड़ा सोना ज़रूरी है, नहीं और नहीं होने से प्रॉब्लम होता है। तो आज रेस्ट है ऐसे भी, तो थोड़ा रूम का काम करके फिर फ्रेश होके फिर खाना खा के सोएंगे। तो आज का वीडियो यही तक। तो आप लोगों को, आप लोग नहीं एक्चुअली ये यट का जो काम था तो उसी के लिए मैंने वीडियो बनाया। तो मैंने कोशिश किया दिखाने के लिए कि ऐड में बेसिकली क्या होता है ना, अंदर में काम ही होता है, तो सोशल से अब थोड़ा अंदर रहते हो, बाहर रहते हो, और जो कि स्टेशन में जो लोग काम करते हैं तो वो थोड़ा सोशल के साथ इंटरेक्ट होता है, क्योंकि पैसेंजर डीलिंग भी करना पड़ता है। तो यही है, यार्ड में आपको सोशल से तो बहुत दूर रहते हो। तो यही है। तो चलिए, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक्स मार देना, और नया नया होगा चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। तो आज का वीडियो यही तक।